तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे राष्ट्रपति के ही वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं जिसमें हम लोग शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले थे, और आज इस वीडियो में हम लोग वही चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वजह से तो बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, आपातकालीन शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यायिक शक्ति की। तो न्यायिक शक्ति में देखिएगा दोस्तों, न्यायिक शक्ति में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। क्षमा दान करने की, यानी क्षमा करने की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कौन से आर्टिकल के तहत बोला गया है? आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 72 बोलता है कि क्षमा दान शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, और ये जो शक्तियां हैं वो किस मामले में राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं? तो किस मामले में होती है, पहली बात याद रखिएगा, जो सेना न्यायालय द्वारा अगर दंडित किया गया है तो इस मामले में भी राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। दूसरा, अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। ठीक है ना? तो क्षमा दान शक्तियां कौन से आर्टिकल संबंधित है? 72 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्या क्या कर सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति किसी भी दंड को, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई दंड है तो उस दंड को क्या क्या कर सकता है? पहली बात, वह किसी दंड को क्षमा कर सकता है। किसी दंड को क्षमा कर सकता है, किसी दंड को परिहार कर सकता है, अथवा किसी दंड को प्रविलंब कर सकता है, अथवा किसी भी दंड को लघुकरण कर सकता है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, अथवा लघुकरण कर सकता है। अब एक एक करके समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है, ठीक है, कि परिहार के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति क्या काम करते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर क्षमा करेगा राष्ट्रपति तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है, जो दंड भोगी होता है, वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। मतलब वो ऐसा बन जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं, यानी पूरी तरीके से माफ कर देना, सजा से मुक्ति दे देना, यही कहा जाता है क्षमा। तो राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। दूसरा है परिहार। परिहार में क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी भी दंड की प्रवृत्ति में बिना परिवर्तन किए, याद रखिएगा, किसी दंड के प्रवृत्ति में बिना परिवर्तन किए दंड को कम करना। ये पूरा लाइन आप लिख लीजिएगा, किसी दंड के प्रवृत्ति में बिना परिवर्तन किए दंड को कम करना ही परिहार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिएगा, कोई एक आदमी है, इस आदमी को दो वर्ष का कठोर कारावास हुआ, तो अगर राष्ट्रपति परिहार करेंगे तो इस व्यक्ति के 2 वर्ष के कठोर कारावास को घटा करके एक वर्ष का कठोर कारावास कर देंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, जो परिहार होता है इसमें दंड की प्रवृत्ति नहीं चेंज होती है, अर्थात अगर कठोर कारावास है तो घटाने के बाद भी कठोर। तो अब बात करते हैं प्रविलंब की, कि क्या होता है प्रविलंब। तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रविलंब क्या होता है? प्रविलंब के तहत अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड पाया हुआ है तो इस मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है।
निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रविलंब में, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। जैसा कि अभी आपने परिहार में देखा कि दंड का प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना ही परिहार कहा जाता है, और क्षमा में पूर्णतया व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे लघुकरण का। लघुकरण जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लघुकरण का मतलब होता है छोटा। परिहार में भी छोटा किया जाता है, लघुकरण में भी छोटा किया जाता है। यहां पर दंड की प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है, बल्कि यहां पर दंड की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन करते हुए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम करना, ही कहा जाता है लघुकरण। जैसे कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति अगर 2 वर्ष का सजा पाया है, वो भी कैसा कठोर कारावास पाया हुआ है, कठोर, तो इस व्यक्ति का जो 2 वर्ष का कठोर कारावास है, इसे 1 वर्ष के साधारण कारावास में अगर बदल दिया जाए तो वही कहा जाता है लघुकरण। तो 1 वर्ष के, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर नेचर चेंज हो रहा है। यहाँ कठोर कारावास है और यहाँ साधारण कारावास है, तो नेचर क्या चेंज हुआ, कठोर से साधारण, ये कहा जाता है लघुकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, आर्टिकल नंबर 72। तो 72 बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझने कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज फिर इस वीडियो पर यहीं विराम लगाते हैं। कल फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां यानी विधायी शक्ति के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।